तो आप ये बताइए सबसे पहले कि ये कमगर कबूतर जो है, ये कुछ नीले कमगर भी हुआ करते थे? इसमें नीले भी है जी, वही मैं देख रहा हूँ। आंख से अगर आपको आइडेंटिफाइड करना है कि कमगर कौन सा है, गोल्डन कौन सा है, कसूरी कौन सा है, तो कसूरी में आपको सुर्ख पना मिलेगा पूरी भरी हुई आंख। और डब वालों में भी आती हैं? बिल्कुल, डब वाले भी कमगर है ना, वो उसी से बने हुए कबूतर है। और यहाँ तक के गोल्डन कबूतरों में भी आती है, लेकिन वो इतनी ज्यादा उस पे नहीं होती, सुर्ख नहीं होती। अच्छा, स्लेटी कबूतरों में भी यही आंख मिलती है, वो भी उसी से बने गए हैं, जैसे आपके बीच में स्लेटी भी दिख रहा है। इसी वजह से मैंने ये तीनों चारों किस्में यहाँ पर आपसे कहा कि आप यहाँ पर इनको छोड़ें, ताकि लोगों को फर्क पता चले। अब लोग बेचारे जानते भी कुछ कम है, जो जानते हैं वो तो जानते ही हैं, अब किसी में कम है और किसी में ज्यादा है, बस फर्क इतना है। क्यों हजरत? बिल्कुल, इसके अंदर एक खास बात है जी, जो कमगर कबूतर है जी, इनकी जो है बॉडी स्ट्रक्चर है आप जी, देखेंगे जी, ये बिल्कुल अलग है बाकी कबूतरों में से। आप इसको देखो, इसकी चेहरे की बनावट देखो, इसके चेहरे की बनावट देखो जी, ये जो बनावटें हैं इनकी आपको डिफरेंट देंगे। और आंख से अगर आपको आइडेंटिफाइड करना है जी, कि कमगर कौन सा है, गोल्डन कौन सा है, कसूरी कौन सा है, तो कसूरी में आपको सुर्ख पना मिलेगा पूरी भरी हुई आंख, फिर उसके हल्का होता जाएगा जी जी, नहीं पूरी भरी हुई आंख मिलेंगी। ठीक है, शुरू से आंख पॉइंट से लेकर आखिरी जड़ आखिरी तक भरी हुई आंख मिलेंगी कसूरी के अंदर। अच्छा, और खास बात आप इसके अंदर देखेंगे कमगरों में, तो इनकी आंख की जो काली वाली पुतली रहती है, इसके बाजू का जो सर्कल है बेस, तो ये इसके अंदर आपको एक रिंग मिलेगा डोरा। और देखो ये इसके अंदर भी एक कॉमन बात मैं आपको बताता, जैसा कि हर टेडी नहीं उड़ता, हर कल्लुमा नहीं उड़ता, उसी तरह से ये सुर्ख आंखों के अंदर जो पसंदीदा मेरी खुद की आंखें हैं, तो उनके जो लाल आंखों के अंदर सफेद घेरा है, उसके अंदर नीले रिंग है। आप कोई भी कबूतर इसमें से पकड़ेंगे और इसकी आंखों को अपन शॉफ करेंगे, तो उनकी आंख में आपको हल्का नीलापन नजर आएगा और उसकी जो जमीन है वो सफेद नजर आएंगे। तो ये खुसूसी ध्यान रखो, क्योंकि परवाजी सिर्फ पूरी लाल रहना, बहुत लाल आंख है बोले तो ये नहीं है, उसके अंदर कुछ खुसूसी पॉइंट्स भी रहना उसकी आंख के अंदर, सफेदी जो है, नीलापन है, ये उसका बेस रहना उस आंख का। ओके, अली यही नहीं कि पूरी चट आंख देख ली? बस बस बस, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं, आप हर कबूतर में मैं बताऊंगा आपको नीलापन इंशाल्लाह मिलेगा। ये तो सबसे पहले आप ये हमारे आगे जो ये नर है या मादा है, ये सबसे पहले पकड़े आप ये वाली जी जी, इसकी आंख अभी धूप भी चले गई, लेकिन आप देखें एकदम घेरा देखिए इसका, और नीला घेरा जी, ये तिल के बाद जो है नीला घेरा है, नीला रंग है इसका। दोस्तों ये बारीकियां आपको सिर्फ और सिर्फ मिलती हैं जयपुर टॉप पिजन्स चैनल के ऊपर। तो आप ये देखें पॉइंट जो बता रहे हैं हमें, एक जब आदमी काम करता होता है किसी चीज पर, तो उसको उससे ज्यादा आप नहीं जान सकते, ये हकीकत है। क्योंकि एक होता है मेरे जैसा आदमी जो जबानी जमा खर्च करता रहे, और एक होता है प्रैक्टिकली मैदान में, ये घोड़ा और ये मैदान, ये कहावत है नहीं, कि आप करके देखो प्रैक्टिकल, जब तक अपन खुद करेंगे नहीं ना, तब तक पता नहीं चलेगा जी, जी, क्या है। सुर्ख आंख के अंदर जो खास बात है वो रहना भी जरूरी है, क्योंकि आंख से मायने नहीं होते कबूतर, पूरा मुकम्मल रहना परों से, आंखों से, मतलब जो आइडेंटिफाइड है, मैं यही कहना चाह रहा था आपसे, तो वो उससे एक जो आइडेंटिटी है उससे यही पता चलता है कि इसमें अगर नीली रिंग है या कौन कौन से कबूतर लग के बना हुआ है, तो एक्चुअली आंख की जो आइडेंटिफाई वो बयान करती है। बिल्कुल, नस्ली आंखों से तो पहचान, हाँ, दूर से देखे तो रंग से जी जी, और नजदीक पकड़े हाथ में तो आंख से। तो अब इसमें क्या लगा, क्या बनने से, जैसे अब डब वाला बना तो वो किन कबूतरों को मिलके बना, तो वो इस आंख कलर में बैठा, इसी आंख कलर में बैठा जी जी जी। अभी तो ये जो कि जैसे कि अभी ये सुर्खी है, इसके अंदर थोड़ा हल्का नारंगीपन भी दिखेगा आपको, लाली के साथ में जो है ना नारंगीपन जी, हल्का सा नीले रिंग के पास बिल्कुल साफ, मतलब जो उसमें हल्का सा शेड जैसा है, जैसे कसूरी आएगा ना वो पूरा रेडिश रेड, बिल्कुल लाल आंख का आएगा। ओके ओके, जो ओरिजिनल होगा बिल्कुल। क्या बात है, तो दोस्तों ये उसी तरीके से है कि इन्होंने जो बनाए गए कबूतर, उस तरीके से उन कबूतरों के अंदर ये डब्बा लेकर जी, इसकी बनावट देखो, इसका रिंग देखो जी जी, इस तरह से बना, ये डब वाले की लाल आंखें, आप सबकी लाल आंखें यहाँ पर देख रहे हैं। अब उसके आंख के हल्के आपने देखे, वाह 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 वाह, दोस्तों ये होती है बात। अब ये देखे आप, ये व्हाइट में ये एक पहचान है एक तरीके से, इसको और गौर से देखो, सफेद के अंदर आपको हल्का नीलापन नजर आएगा,
एकदम बिल्कुल लाइट। ये लास्ट वाला रिंग तो इधर आंख पे रहता, लेकिन ये जब भी कबूतर ये बनाए गए होंगे तो जो कलर जो रंग जो कबूतर मिलाए गए होंगे जो पर लगाए गए होंगे जिनसे भी बना तो इस तरीके का ये एक मॉडल बैठा। बिल्कुल बिल्कुल, तो यही एक इसकी सही जो है आइडेंटिटी है। जी 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 बिल्कुल, क्योंकि देखो आंखों से तो नस्लों दूर से आपको सारी लाल होंगी, सारे एक जैसे नजर आएंगे, बट उस लाल में भी क्या पकड़ है क्या फर्क है वो आपको यहाँ नजर आ रहा होगा कि ये कलर है तो इसमें ये आंख आएगी। प्लेन प्लेन रेड है ना, तो थोड़ा सा क्या है। जी जी जी, वो मुझे भी पसंद नहीं आया। अच्छा, अब ये एक जो नीले हैं इनमें भी दिखाए, नीले कमगर जो है नीलों में। जी जी, ये नीला कमगर है। जी जी, इसकी भी आंख दिखा दीजिए। ओके, अब ये इसकी बिल्कुल डिफरेंट है उन दोनों से। बिल्कुल बिल्कुल, नीलापन तो आपको भाई लाल, अगर मायने में सही मायने में लाल लाल सारे क्या बोलते हैं काले काले सब मेरे बाप के साले दोस्तों, एक कहावत है ना। तो ये देखिए आप, इसमें बिल्कुल ये स्लेटी जो आंख के पास में वो आ रहा है। अब इसने चीने हैं उसका भी शौक करेंगे। जी 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 जी, वाह 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 दोस्तों। और ये पर भी देख सकते हैं आप, इस तरीके के ही पर हैं, आंखों से भी पहचान होती है, फिर उसके बाद पर क्या है वो भी आप देखें, दुम किस तरीके की हैं, वो सारी चीजों से उसकी सही जो आइडेंटिफाइड जो होता है वो उसी तरीके से होता है। कबूतर स्लेटी की भी दिखाई थी हमने, आप कौन सी स्लेटी, स्लेटी की, ये स्लेटी की पकड़ ली है। अब इसका भी अलग है सीन, ये देखें आप, सबका कहीं ना कहीं आपको डिफरेंट कुछ ना कुछ दिखेगा जरूर। कॉमन चीज इसमें नीला बने, देखो जी देखो सबने। बहुत ही बढ़िया। अच्छा, अब इसके कोहे भी जो है वो येलो हैं। बिल्कुल, जो आंखों की पलके पीछे जो पलके हैं कहते हैं, ये देखिए आप। बस यही एक चीज है अगर सही, क्योंकि इनके कोई शिजरे नहीं है और कोई, ये बात सही बोले। हाँ, देखो इसका कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि सर्टिफाइड है कि यही है, और मैं भी बोलता ऐसा नहीं बोलता कि मैं भी कुछ हद तक गलत हो सकता, लेकिन मैं सिर्फ मेरे ऑब्जर्वेशन की बात कर रहा हूँ। जी, जो ब्रीड कर रहा है, जो आप मतलब मेरे तजुर्बे की बात कर रहा, मतलब जो आप इस तरीके से, आप इस तरीके से नोटिस करते हैं, बस ये चीज मैं नोटिस कर रहा, वही चीज मैं शेयर कर रहा। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं जो बोल रहा वही बात सही है, सही सही जो मैंने देखा वही बता रहा मैं। जी 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 जी, तो हर आदमी का अपना जो है नोटिस करने का तरीका है, सबका अलग अलग, जरूरी नहीं कि मैं भी गलत हो सकता। बिल्कुल, तो इस तरीके से और बढ़िया पर भी दिखा दीजिए इसके। तो दोस्तों आप देख सकते हैं एक से बढ़ के एक कबूतर यहाँ पर आपको दिखाता आया है आपका अपना भाई रिजवान अली साबरी। आप देख सकते हैं बहुत ही लाजवाब और बेमिसाल दुम पंजे नाखून सब, पंजे भी देख लें एक बार। जी पंजे दिखा दीजिए इसके, ये पंजे भी आप देख लें इस तरीके के पंजे होते हैं। अभी ये मैं सारे कबूतर आपको यहाँ दिखा देता हूँ। देखिए अब ये है, मतलब बेस इनका वही है, बाकी इसमें अलग अलग कलर रंग साजी की गई लोगों ने, की नस्लें बनाई और उस तरीके से उनको देखा जाता है और उस पर बात की जाती है। तो दोस्तों इसी के साथ आप अपने भाई रिजवान अली साबरी को इजाजत दें और देखते रहें जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर नस्लें हाई फ्लायर्स कबूतर का आप शो करते आए हैं जयपुर टॉक पिजन्स चैनल के ऊपर।